बांसगांव थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। हैरानी की बात यह है कि युवक की मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को मौत की पुष्टि की है। मामला बांसगांव थाना क्षेत्र के ठोठा गुरहू गांव का है, जहां खेत में अचेत अवस्था में गाँव के एक युवक अमित मिला था, जिस पर युवक को अस्पताल लाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित किया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि रात में जन्माष्टमी का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी लोग सो गए। सुबह उनका बेटा कब घर से बाहर निकल गया किसी को पता नहीं चला। काफ़ी देर तक घर न आने पर हम लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, जिस पर स्थानीय लोगों ने एक युवक के खेत में अचेत अवस्था में मिलने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अमित की पहचान करने के साथ ही उसे आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाए, जिस पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल पहुँचने पर इलाज के दौरान ही अमित की मौत हो गई, लेकिन अमित की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। वहीं परिजनों का कहना है कि अभी अमित की इस हालत के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि अमित की किसी प्रकार की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, हालांकि डॉक्टर जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत की बात कह रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मृतक अमित के पिता शिव सागर ने कहा, आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ देखकर भाई बैठा? हाँ यार, एकदम से तुम रहना चाहिए। आप बोलते हो वो अपना भले क्या लगा? मैं सही बाबा। हमारा शिव सागर नाम बता रहा हूँ साहब। हम घर पर अपना जन्माष्टमी का काम कर रहे थे, ये लोग ये रात भर जन्माष्टमी देखे हैं, सुबह जाके खेत में गए हैं, अब वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ है, हमको कुछ पता नहीं। वहाँ बेहोश होकर गिरे थे, तो मैं जा करके उठा करके दो तीन आदमी ला करके गोबर उबर पिला करके वहाँ पर जो कुछ कार्यक्रम होता था कर करके उसके बाद ले आया हूँ हॉस्पिटल में। तो बांसगांव तो वहाँ ये लोग बोले कि सरसों का तेल पिलाते चलो, गोरखपुर लेके चलना है यहाँ, तो मैं वहाँ से पिलाते लेके आया हूँ। यहाँ डॉक्टर साहब अपना देख रहे हैं, जो कुछ होगा वो होगा बस। अभी आपकी लड़की की स्थिति कैसी है? अभी तो साहब बेहोश पड़े हुए हैं सब लोग, कोई कोई कह रहे हैं अंगुली का नस चल रहा है, कोई कलेजा का नस चल रहा है, डॉक्टर साहब नहीं कुछ बता रहे, कह रहे हैं कि वो मर चुके हैं।